जमाई षष्ठी में ससुराल आए जमाई पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है। ससुर व चाचा ससुर के मध्य हुए विवाद को सुलझाने गए दामाद के सिर पर बांस से प्रहार कर उसे घायल कर दिया गया। अस्पताल में इलाजरत है दामाद। ये घटना शुक्रवार शाम कालना के कृष्णदेवपुर के राजवंशी पाड़ा की है। दामाद के साथ साथ उसके साले की पत्नी भी जख्मी हुई है। जानकारी के अनुसार कालना के ही सिंगराइल के रहने वाले रिंटू सरकार किसी कारणवश जमाई षष्ठी में अपने ससुराल नहीं जा सका था, इसलिए रिंटू की सास रीना सूत्रधर ने शुक्रवार उनके लिए खाने पीने का आयोजन किया था। मगर शुक्रवार शाम जमीन के पुराने मसले को लेकर रिंटू के साले व चाचा ससुर के बीच विवाद शुरू हो गया और ये विवाद हाथापाई तक पहुंच गई, जिसे देख दामाद रिंटू सरकार बीच बचाव करने गया, तभी उसके सिर पर बांस से प्रहार कर उसे घायल कर दिया गया। और इधर दामाद रिंटू को बचाने गई रिंटू के साले की पत्नी सपना सूत्रधर भी जख्मी हो गई। दोनों को तुरंत इलाज के लिए कालना महकमा अस्पताल में भर्ती कराया गया। रिंटू सरकार ने पूरे मामले के बारे में बताते हुए कहा कि उसने कभी ये नहीं सोचा था कि उसके ससुराल में उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा। वहीं सपना सूत्रधार ने कहा कि ब्यूरो रिपोर्ट पब्लिक टाइम्स।